हेलो फ्रेंड्स आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड दिस वीडियो इज़ अबाउट झारखंड फॉरेस्ट और इन जनरल वेजिटेशन के बारे में द नंबर ऑफ़ क्वेश्चन दैट कम इन द एग्ज़ाम इज़ हार्डली वन टू टू वो भी सिर्फ एरिया और टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पूछे जाते हैं और उसके अलावा बस पेड़ों के नाम याद रखने हैं कि झारखंड में इन जनरल कितने किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं उसके अलावा व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज़ कि कहाँ पे बारिश वगैरह होती है जो कि आपको फॉरेस्ट से ही इनडायरेक्टली पता चल जाएगा यू डोंट हैव टू स्पेसिफिक स्पेसिफिकली गो एंड रीड सम आर्टिकल अबाउट इट यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स uh, मैंने लिए हैं जितने भी इंफॉर्मेशन लिए हैं ये गवर्नमेंट डेटा है तो इट इज़ फ्रॉम अ वेरी ट्रस्टवर्दी सोर्स झारखंड गवर्नमेंट का ही डेटा है आप पिक्चर में देख सकते हैं पलास का मैंने पिक्चर लगाया हुआ है बहुत लोग हैं जो झारखंड के नहीं हैं और वो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये फ्लावर जो है पूरा ऑल ओवर झारखंड हर जगह पाया जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो द स्टेट फ्लावर इसीलिए ये फ्लावर मैंने लगा दिया है ताकि आपको पिक्चर देख याद रहे तो एक ओवरव्यू ले, ले लेते हैं अब झारखंड का जो टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर है वो है परसेंटेज वाइज ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव फाइव परसेंट तो ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट याद रखेंगे टोटल एरिया जो इंडिया का अंडर फॉरेस्ट कवर है वो सिर्फ ट्वेंटी थ्री परसेंट ही है सो बाय द नेम झारखंड झार मींस लॉट ऑफ बुशेस एंड खंड मींस लैंड सो ए नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है कि इस एरिया का नाम ही है ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं हालांकि आफ्टर द ब्रिटिश केम एंड देर वर इंकर्शन इन टू द ट्राइबल टेरिटरी बहुत सारे पेड़ कट गए हैं और अब माइनिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से भी बहुत सारे पेड़ कट गए बट फिर भी नेशनल एवरेज से अभी भी ज़्यादा है इंडिया का टारगेट है थर्टी थ्री परसेंट लेकिन अभी हम ट्वेंटी थ्री परसेंट पर हैं और झारखंड का जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट ही है तो परसेंटेज याद रखना ज़रूरी है परसेंटेज को हम लोग याद भी रखेंगे नाउ लेट्स मूव ऑन एरिया आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है एरिया कैन बी जस्ट टेकन केयर ऑफ एंड देखिए टोटल फॉरेस्ट कवर ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव फाइव परसेंट एंड देन वी मूव ऑन अगला जो कैटेगरी वो है वेरी डेंस फॉरेस्ट तो वेरी डेंस फॉरेस्ट इसका भी हम लोग टाइप देखेंगे वेरी डेंस मॉडरेटली डेंस और ओपन स्क्रब ये सब टाइप्स हैं जो कि फॉरेस्ट स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट इंडिया वाला और झारखंड वाला दोनों में दिया हुआ है इसको डीप में जानने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चंस नहीं आते ये हम लोग मैप पर देखेंगे अब मीडियम फॉरेस्ट कवर जो है वो नाइन सिक्स एट सिक्स बस एक रेफरेंस पता होना चाहिए कि वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो टू फाइव नाइन एट स्क्वायर किलोमीटर्स है और मीडियम डेंस मीडियम फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है अब पर per पर्सन जो कवरिंग है फॉरेस्ट की वो है जीरो पॉइंट हेक्टेयर्स पर पर्सन परसन per की कवरिंग है जीरो पॉइंट एट हेक्टेयर्स तो ये याद रखने वाली बात है क्योंकि ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा जा चुका है एग्जाम में अब यहाँ पे जो मैक्सिमम कवरेज है उसको देख लेंगे जो मैक्सिमम कवरेज है उसमें सबसे पहले है लातेहार जिसमें फिफ्टी सिक्स परसेंट एरिया इज कवर्ड ये मैप पे भी देखेंगे चतरा जो कि फोर्टी सेवन परसेंट है और जो मिनिमम फॉरेस्ट कवर है वो जामताड़ा जहाँ पे 5.3 परसेंट उसके बाद देवघर 8.1 परसेंट और धनबाद 10 परसेंट यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि धनबाद सुनकर हमें लगता है जैसे कि माइनिंग वगैरह होती है तो माइनिंग के वजह से हो सकता है बट आप देखिए धनबाद से भी कम जामताड़ा का है आपने जामताड़ा का देखा होगा सीरीज़ वगैरह स्कैमिंग के लिए जाना जाता है तो फाइव जामताड़ा याद रखेंगे मिनिमम फॉरेस्ट कवर है देवघर एट यहाँ पे फॉरेस्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है प्लीज़ करेक्ट कर ले और धनबाद टेन परसेंट मैक्सिमम जो है वो लातेहार का है उसके बाद चतरा का है जिन लोगों को पीएचडी करनी है वो पूरा स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट निकाल कर भी पढ़ सकते हैं बट उसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है अब अगला जो सीरीज है वो है टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन झारखंड ये बिल्कुल गवर्नमेंट डेटा है इसके ऊपर से अगर क्वेश्चन आता है तो ट्रस्ट मी नोबडी विल बी एबल टू सॉल्व इट अब यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन झारखंड दिए हुए हैं वो चैम्पियन एंड सेट के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पर है तो उसको एक बार देख लेते हैं टाइप्स क्या क्या है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट सब अल्पाइन फॉरेस्ट और अल्पाइन स्क्रब तो इसमें से सारे टाइप्स झारखंड में नहीं पाए जाते हैं बिकॉज़ झारखंड इज़ लोकेटेड इन ईस्टर्न ऑलमोस्ट ईस्टर्न इंडिया तो अल्पाइन वगैरह तो मुश्किल ही है क्योंकि अल्पाइन मतलब जो पहाड़ों पर होते हैं ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों पर होते हैं जैसे कि हिमालयाज पे तो वो सब नहीं मिलते यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के ही बहुत सारे सब टाइप्स पाए जाते हैं और उसी सब टाइप्स को हम देखेंगे तो एक जनरल ले रीडिंग ले लेते हैं इसकी तो झारखंड हैज़ ए वेरी डाइवर्स फॉरेस्ट ठीक है झारखंड हैज़ वेरी डाइवर्स फॉरेस्ट एंड डाइवर्सिटी द फॉरेस्ट एरिया ऑफ झारखंड इज़ अबाउट टू थ्री सिक्स जीरो फ़ाइव ये डेटा याद रखेंगे टू थ्री सिक्स जीरो फ़ाइव ट्वेंटी थ्री सिक्स ज़ीरो फ़ाइव स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ अबाउट ट्वेंटी नाइन पॉइंट सिक्स वन परसेंट ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया तो टोटल जोग्राफिकल एरिया का ट्वेंटी नाइन पॉइंट सिक्स परसेंट है ये याद रखने वाली बात है और इसका डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट याद रहना ज़रूरी है टू टू थ्री सिक्स ज़ीरो फाइव है और जो टोटल जोग्राफिकल एरिया का परसेंटेज है ट्वेंटी नाइन पॉइंट सिक्स वन है उसके बाद ये इंडियन स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट दो हज़ार यहाँ से ली गई है इसको याद एकदम बिल्कुल से याद कर लीजिए दो हज़ार ग्यारह की रिपोर्ट से है अब यहाँ पे साल फॉरेस्ट जो है साल की जो लकड़ियाँ होती हैं उससे फर्नीचर वगैरह बनते हैं दरवाजे बनते हैं और इसी के लिए फ़ेमस है जो पिक्चर आपने फर्स्ट स्लाइड में देखी थी वो सरांडा फॉरेस्ट की ही थी और वो साल की ही लकड़ियाँ थी साल के पेड़ दिखाए थे मैंने द फेमस साल फॉरेस्ट ऑफ एशिया एशिया सरांडा इज़ इन झारखंड तो सरांडा फॉरेस्ट बहुत तरह से फेमस है बीच में ये नक्सल के लिए भी फेमस हुआ था तो साल फॉरेस्ट है उसका नाम सरांडा है ये याद रखेंगे द मेन फॉरेस्ट ग्रुप ऑफ झारखंड आर ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस ऑब्वियसली ट्रॉपिकल मतलब आप आपको अगर मालूम है तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री वो रांची के थ्रू पास भी होता है तो झारखंड बहुत बड़ा ऊपर नीचे नहीं है ट्रॉपिकल से इसीलिए यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट मैं आपको एक इंडिया के मैप पे दिखा देती हूँ मान लीजिए इंडिया यहाँ है तो यहाँ से यह लाइन पास होती है अब यहाँ पे कहीं झारखंड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट्स ही मिलेंगे नोन बात है अब अगला वाला स्लाइड पर चलते हैं तो जो पहला टाइप हम लोग पढ़ रहे थे वो था ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट मैंने आपको रीजन भी बताया कि इंडिया में ये ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर पार हो रही है ट्वेंटी थ्री एंड ए हाफ डिग्री होती है ये और ये झारखंड के रांची से भी पास होती है तो उसी तरह का मिलता भी है तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है तो उसका जो पहला डिवीजन है वो है नॉर्दर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट बस नाम याद रखना ज़रूरी है उसके बाद आप सब कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं नॉर्दर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस ड्राई मतलब यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती होगी सेवन फिफ्टी टू थर्टीन हंड्रेड एम की बारिश हो रही है आप देखिए सेवन फिफ्टी टू थर्टीन हंड्रेड एम एम की बारिश हो रही है और ये झारखंड के मेजॉरिटी पार्ट्स में पाई जाती है यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ट्वेंटी फोर से ट्वेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो फोर्टी थ्री डिग्री सेंटीग्रेड हालाँकि ड्यू टू पोल्यूशन एंड अदर रीजन्स द टेम्परेचर आर ऑल्सो इंक्रीजिंग नॉट जस्ट इन झारखंड बट ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड उस फनोमिन को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं वो हम लोग एन्वामेंट के सीरीज़ में देखेंगे सो so, अब ये देखिए नॉर्दर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट याद रखना है नॉर्दर्न ऑब्वियसली इंडिया नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में है आप ऐसे याद रख लीजिए ट्रॉपिकल तो लाइन जो ट्रॉपिक की लाइन होती है झारखंड से पास और ड्राई डेसीडियस तो डेसीडियस वो पेड़ होते हैं जो जिनके पत्ते झड़ते हैं आप देख सकते हैं जैसे मार्च का महीना है फेबरवरी मार्च के एंड में पत्ते गिरते हैं आप झारखंड के किसी भी एरिया से पार होंगे तो यू कैन ऑब्जर्व दैट कॉमन ऑब्जर्विंग कैपेसिटी की बात है और इंडिया में भी ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मेजोरिटी इंडिया में पाया जाता है नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन और जो इसका दूसरा सेक्शन है वो है ड्राई पेनजुलर साल ये याद रखेंगे ड्राई पेनेंजुलर साल मैंने पहले ही स्लाइड में कहा था कि साल ट्री यहाँ के लिए फेमस है तो ड्राई पेनेंजुलर साल जो है ये भी ये क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स पर मिलता है और यहाँ पे सॉयल मॉइस्चर जो होती है जो मॉइस्चर कंटेंट होती है सॉयल की वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है झारखंड में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो ईस्ट सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम सरायकेला खरसवान डिस्ट्रिक्ट एंड पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड रांची एंड हज़ारीबाग इसको मैप पर भी देख लेते हैं ताकि याद रह जाए तो मैप पर आप देख सकते हैं सरायकेला खरजवन यहाँ पे रांची के आप पास देख सकते हैं सी हियर ये वाला एरिया में कुछ ये वाला पार्ट एरिया सरायकेला खराजवन ईस्ट सिंहभूम यहाँ पर और वेस्ट सिंहभूम मतलब टोटली ये वाला एरिया में पाया जाता है अब ये याद रखना पड़ेगा कि कौन से फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं इसको याद रखना पड़ेगा अब इसके जो फॉरेस्ट टाइप्स हैं इसमें जो टाइप्स ऑफ ट्रीज़ मिलते हैं उसको देख लेते हैं अब बिकॉज़ कि ये गवर्नमेंट डेटा है तो इसमें जो स्पीशीज़ के नाम दिए हुए हैं वो आप देख सकते हैं काफ़ी साइंटिफिक नाम दिए हुए हैं ये आपके काम कर के नहीं है इसको सिम्प्लीफाई कर दिया है मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है शोरिया रोबस्टा शौर्या रेबोस्टा मतलब साल का पेड़ है ये सारे सा, साल के पेड़ हैं आपको जो फर्स्ट स्लाइड में दिखे थे दूसरा है बॉसवेलिया बॉसवेलिया फेमस तरीके से झारखंड में और पूरे इंडिया में हिंदी में इसको गुगुल का पेड़ कहते हैं इट इज़ गुगुल, उसके बाद है जो मेजर ट्री है वो है मधुका मधुका मतलब महुआ और ये जनरली गाय के उनको खाना देने के काम में आता है और कुछ पुअर एरियाज़ में इसको एज ए ह्यूमन फूड भी इस्तेमाल किया जाता है तो मैं और ये रहा एकैशिया जिसको हम लोग बबूल का पेड़ कहते हैं ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है अगर ड्राई है तो ऐसे ही लंबे लंबे पेड़ होंगे जिनके ट्रंक भी पतले हों क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है सॉइल में तो ड्राई पेनंजुलर साल अब पेनजुलर आप, आप इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि आप याद रख सकते हैं क्योंकि आप अगर ये वाला एरिया देखेंगे ये देखिए ये पेनजुला जैसा लटक रहा है अगर आप देख सकते हैं इंडिया को भी पेनंजुला बोला जाता है बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाई ओश और ऐसा ट्राइंगल है वैसे ही आप इसको भी याद कर लीजिए कि ये ट्राइंगल जैसा लटक रहा है इसलिए इसको यहाँ पे ड्राई पेनंजुलर साल पाया जाता है लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो अब जो अगला फॉरेस्ट टाइप हम लोग देख रहे हैं वो है नॉर्दर्न ड्राई मिक्स्ड डेसीडुअस फॉरेस्ट अब ये मिक्स्ड देखिए आप फिर भी देख सकते हैं नॉर्दर्न ड्राई बहुत ज़्यादा रेन यहाँ भी नहीं होगा मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट तो ये हर जगह होते हैं जहाँ पे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिड्यस फॉरेस्ट हैं हर जगह होते हैं ये भी अपने पत्ते इनके पत्ते झड़ते हैं मौसम में और वही ऑलमोस्ट वही सारे पेड़ हैं एक्काशिया जिसको बबूल कहते हैं बसवेलिया जिसको गूगुल कहते हैं मधुका सेम महुआ अलबीजिया इसको अलबीजिया को भाषा में जनरली हिंदी भाषा में या लोकल भाषा में कहते हैं करोई का पेड़ तो आप वो लिख सकते हैं करोई क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जनरली साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं तो यह है करोई बॉम्बैक्स टाइप्स ऑफ बैम्बू तो कॉमन वही सारे पेड़ हैं अब ये देख सकते हैं ये जो दूसरे पेड़ हैं इनके साथ मिलते हैं इसीलिए मिक्स डिबस फॉरेस्ट नाम है इनका ये आप इमेज देख सकते हैं जो साइड में लगी हुई है अगला जो फॉरेस्ट का टाइप है वो है अगेल फॉरेस्ट अगेल का मतलब ही होता है बेल आपने बेल के पेड़ देखे होंगे ये कोई नई बात नहीं है इट इज़ आल्सो जो बेल के जो पत्ते होते हैं उसको भगवान को चढ़ाया जाता है तो बेल का पत्ता बहुत फेमस है इट इज़ इन द फॉर्म थ्री तीन लीफ होता है उसमें और बेल हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑल्सो तो बेल का फॉरेस्ट डोमिनेंट है अगेल अगेल फॉरेस्ट आराम से याद रख लोगे अगेल बेल काफ़ी राइमिंग भी लग रहा है और ये पलामू के एरिया में होता है ये पलामू वाला एरिया में होता है तो एक बार पलामू वाला एरिया मैप पर देख लेते हैं तो ये रहा पलामू का एरिया ये रहा ये अगेल फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है और आपको आपने अगर अगेल का पेड़ देखा है बेल का पेड़ देखा है तो आप जानते होंगे कि उसमें भी कांटे होते हैं तो क्योंकि ड्राई एरियाज में हो रहा है जनरली तो थॉर्नी प्लांट्स हैं अगला जो है फॉरेस्ट का काइंड है वो है ड्राई बैम्बू ब्रेक्स नाम देखिए ड्राई बैम्बू ब्रेक्स तो ये ड्राई सॉल पे होते हैं हिल्स पे एलुवियम पे ठीक है अब एलुवियम पे तो कोई भी पेड़ हो ही जाता है इट इज़ वेरी रिच इन इट्स न्यूट्रिएंट ये पहाड़ों पर भी होते हैं और एल शो यू यहाँ पे ये दिख नहीं रहा ये डेंड्रोकैलमस ट्रिक्टस तो यहाँ पे स्पीशीज़ का नाम दिया हुआ है इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है मैंने बस रेफरेंस के लिए बताया है और ये जो फॉरेस्ट है ये भी पलामू एरिया में होता है आप पिक्चर देख सकते हैं तो पलामू को एक बार फिर से मैप पे देख लेते हैं ये रहा पलामू वाला एरिया ऐसे बार बार मैप देखने से आपको मैप याद रहेगा पलामू वाला एरिया ये वाला एरिया हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी ये वाला एरिया भी कर चुके हैं तो ये कॉमन एरियाज़ हैं हज़ारीबाग के भी कुछ एरियाज़ में ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट मिलते हैं अब जो अगला जो टाइप है वो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट अब नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है शेक्सपियर ने कहा कि नाम में क्या ही रखा है बट मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ नाम में ही रखा हुआ है अगर आप सिर्फ ध्यान से नाम पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा ट्रॉपिकल मॉइस्ट ऑब्वियसली ट्रॉपिकल होगा ही मॉइस्ट मतलब थोड़ी रेन ज़्यादा होगी डेसीडियस मतलब पत्ते इसके झड़ते हैं फॉरेस्ट मतलब जंगल तो सब कुछ नाम में ही है याद करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको तो ये भी एक सब ग्रुप है ट्रॉप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अब देखेंगे ज्यादा ग्रीनरी है उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसका भी कुछ सब टाइप है लेकिन उसमें भी साल ही होता है साल का ही पेड़ होता है ये देखिए मॉइस्ट पेनेंजुलर साल हमने डाई ड्राई पेनेंजुलर साल पढ़ा था ऑलरेडी और ड्राई पेनेंजुलर साल को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं देखिए ड्राई पेनेंजुलर सॉल हम लोगों ने देखा हुआ था कि हज़ारीबाग वेस्ट सिंहभूम सरायकेला ईस्ट सिंहभूम यहाँ पे पाया जाता है और यहाँ पे सॉयल में बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है जस्ट उसका ऑपोजिट है मोइस्ट अब मोइस्ट पेनंजुलर साल देख लीजिए जस्ट ऑपोजिट है पेनंजुलर साल तो है ही लेकिन ड्राई नहीं है मोइस्ट है तो साल यहाँ का प्रीडोमिनेट स्पीशीज़ है साल पूरे झारखंड का ही प्रिडोमिनेट स्पीशीज़ है और इसके जो लकड़ियाँ हैं वो काफ़ी फेमस है और अगला जो है साल रीजनरेशन इज एडोट बट इट इज बाई फॉर फॉरॉस्ट क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है तो ठंडक भी होती है इसीलिए अगला जो फॉरेस्ट का टाइप है वो है मॉइस्ट मिक्सड डेसीडियस फॉरेस्ट इसी में हम लोगों ने ड्राई मिक्स डेसीडियस फॉरेस्ट कर लिया है तो लेट्स सी यहाँ पे मॉइस्ट मिक्स डेसिडियस तो लिखा हुआ है वेस्ट गैन्जेटिक इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको आप सिर्फ मॉइस्ट मिक्स डेसीडियस फॉरेस्ट याद रखें अब ये कहाँ मिलता है सिंहभूम वाला एरिया में मिलता है झारखंड में तो पेड़ क्या क्या मिलते हैं बॉम्बैक्स बैम्बू उसके बाद डलिनिया पेंटोग पेंटाजाइना ये देखिए ये सब नाम याद रखने की जरूरत। डलीमिया को जो हिंदी वर्शन है या जो झारखंडी लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं करमाल करमाल का पेड़ है आप अगला देख सकते हैं अलबीजिया मैंने बताया था करोई आप ये कॉपी में ज़रूर लिख लीजिए वरना आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा टाइम वेस्ट होगा अलबिज़िया को बोलते हैं करोई और अदीना को बोलते हैं हलेतु ये अदीना एस जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हलेदु तो यही कॉमन पेड़ है मैं एक बार फिर से बता देती हूँ दलीमा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं दलिमा पेंटागाइना इसको बोलते हैं कर करमाल का पेड़ अदीना को बोलते हैं हलेदु और अलबिजिया को बोलते हैं करोई रिविजन के लिए मधुका मतलब महुआ अकाशिया मतलब बबूल और शोरा मतलब सॉल अगला देखते हैं ये झारखंड के सीधा मैंने स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट उठाई है सब कुछ नहीं देखना है जो देखने वाली चीज़ें हैं वो सिर्फ वेरी डेंस फॉरेस्ट कुछ कुछ एरियाज़ हैं जो आपको मार्क करने हैं अब परसेंटेज वाइज ऑफ़ द जोग्राफिकल एरिया सिर्फ इसको देखें देखिए यहाँ फिफ्टी सिक्स परसेंट लातेहार आपको ये दिख रहा होगा फिफ्टी सिक्स परसेंट हाइएस्ट है ये लातेहार का है उसके बाद चले आइए पश्चिमी सिंहभूम फोर्टी सिक्स परसेंट दिख रहा है परसेंटेज ऑफ जोग्रफिकल एरिया उसके बाद जो तीसरा स्टेट यह यहाँ पर एक दिख रहा है फोर्टी सेवन परसेंट चतरा तीन इस तरह से आपको ज़्यादा याद रहेगा अगर आप देख लेंगे मैंने बोला था फॉरेस्ट में भी बहुत टाइप होते हैं वेरी डेंस मॉडरेट डेंस ओपन फॉरेस्ट स्क्रब इसको भी हम लोग मैप पे देखेंगे तो ये तीनों याद रखेंगे सबसे जो कम में पढ़ा था वो था जामताड़ा जामताड़ा देख लीजिए फाइव पॉइंट उसके बाद पढ़ा था देवघर एट ज़्यादा कुछ है नहीं ये वाला एरिया आप देख लीजिए अब मैप पे देखने वाली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बस रेफरेंस के लिए याद रखने के लिए वेरी डेंस फॉरेस्ट डार्क ग्रीन कलर से है मैं यहाँ पे इंक का कलर चेंज कर देती हूँ वॉलेट और वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो डार्क ग्रीन है ये देखिए और ये मॉइस्ट मॉडरेट डेंस है स्क्रब जहाँ पे बहुत कम डिस्पर्शन है और जहाँ पे वाइट है वहाँ पे कोई फॉरेस्ट नहीं है तो जहाँ पे वेरी डेंस वाले एरिया हैं वो देखिए वेस्ट सिंहभूम का ये नीचे वाला एरिया लोहरदगा वाला ये एरिया गढ़वा वाला ये एरिया चतरा के कुछ पार्ट्स कोडरमा का ऊपर वाला एरिया और इधर जितना भी आप देख रहे हैं ये सब मीडियम स्क्रब एस सच नहीं है झारखंड में बहुत जो फॉरेस्ट कवर है वो अच्छी खासी है इस वजह से नहीं दिख रहा एक बार इस चार्ट को भी देख लेते हैं तो चार्ट में है वेरी डेंस फॉरेस्ट का जो एरिया है वो है टू फाइव एट सेवन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बस आप याद रख सकते हैं ओपन फॉरेस्ट का यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो शो कर रहा है तो नॉट वेरी इम्पोर्टेंट यू कैन जस्ट गो थ्रू वन ऑफ द मैप्स एंड दैट इज़ दिस वन उसके अलावा ज़रूरत नहीं है आपको तो आज इतना ही लेकिन करंट अफेयर्स में आपने अगर देखा होगा तो यहाँ पे एक ये वै वैसे ये वाला पिक्चर सबको समझ में नहीं आ सकता है जो लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड है वही समझ पाएंगे अमेजॉन फॉरेस्ट में आग लगी हुई है और ये इंटरनेशनल गवर्नमेंट बस मीडिया बात करने में लगे हुए हैं झारखंड का इसीलिए फ़ॉरेस्ट कवर को प्रिजर्व करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कल्चरली भी और बिकॉज़ हमारे पास बहुत ट्राइबल पॉपुलेशन है जो कि वल्लरबल हो जाएगी और अदरवाइज़ ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज के लिए के हिसाब से भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और माइनिंग के वजह से झासूगुड़ा का नाम सुना होगा इन सब एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है तो स्टेट फ़ॉरेस्ट में आज इतना ही पढ़ना है जो जो याद रखना है वो आप ये वाला स्लाइड ध्यान रखेंगे उसके बाद टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स में ये वाला इंडिया के लिए है तो इसको आप नहीं भी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में पढ़ सकते हैं बट यहाँ पे टाइप ऑफ फॉरेस्ट और कौन कौन से एरिया में क्या क्या पाए जाते हैं उसको ज़रूर याद कर लें एज अ होमवर्क प्लीज़ जितने भी एरियाज़ हैं आप मैप पर मार्क करके रख लें इससे ज़्यादा फॉरेस्ट से क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते हैं और जो भी अपडेट्स होंगे वो इकोनॉमिक सर्वे से बाद में अपडेट कर दिए जाएंगे थैंक यू गाइज आई होप यू विल स्टडी वेल